नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे जियो के गीगा फाइबर की। दोस्तों 12 अगस्त के आसपास एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जियो की, जहां पे उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स अनाउंस किए थे, पर उनमें से तीन प्रोडक्ट्स में मैं इंटरेस्टेड हूं। पहला है जियो का गीगा फाइबर, दूसरा उनका डायरेक्ट टू होम सर्विस जो DTH सर्विस TV डिलीवर करने की कोशिश होगी वो, और तीसरा उनका जियो का फोन 3 आ रहा है, इन तीन चीज़ों के बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अभी जियो के साथ क्या है कि उन्होंने गीगा फाइबर को लॉन्च करने के लिए 1600 सिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं इंडिया के अंदर। 1600 सिटीज़ में वो डिप्लॉय करेंगे इसे 5 सितंबर के आसपास, और इंडिया में लगभग 4000 शहर हैं, तो मतलब हर 10 में से 4 शहरों में जियो का गीगा फाइबर कनेक्शन अवेलेबल होगा। अब आप लोगों को पता होगा कि मैंने पास में जो वीडियोस अपलोड किए थे उनमें मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मुंबई में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। फाइनली मैं एक फ्लैट में शिफ्ट कर गया हूँ और इस फ्लैट में पहले से जियो का गीगा फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है। कैसे? आपको याद होगा कि जब जियो की मोबाइल सर्विसेज आ रही थी, जियो का सिम आ रहा था, उस वक्त उन्होंने लगभग 1 साल तक लोगों को फ्री में सिम कार्ड्स बांटे थे, फ्री में सर्विसेज दी थी। ठीक वैसे ही टेस्ट पायलट प्रोग्राम जैसे उस वक्त जियो के सिम कार्ड्स के साथ चला था, वैसे ही टेस्ट पायलट प्रोग्राम मुंबई के अंदर जियो गीगा फाइबर के साथ कर रहे हैं और हमारे फ्लैट में गीगा फाइबर का सेटअप अवेलेबल है। अभी मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा आपको कि सेटअप एग्जैक्टली कैसा लगता है। बेसिकली आपके घर पे जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो आपके घर तक एक तार आता है, फिर उसे एक मॉडेम में लगा दिया जाता है और उस मॉडेम के बाद आप चाहे तो वाईफाई होस्ट कर लें वहाँ पर, या फिर अपने PC को लैन केबल से कनेक्ट कर दें अपने मॉडेम में। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर टर्मिनेशन दिया है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है यहाँ पे, एक मॉडेम है जिसमें बिल्ट इन वाईफाई भी है। अब स्पीड्स की बात करते हो तो अभी तक मैंने जो यूज़ किया है, और इसमें कोई प्लान नहीं है बेसिकली, हम अभी इसके लिए पे नहीं कर रहे हैं, लगभग 5-6 महीने से यहाँ पे लगा हुआ है जो मैंने पूछा अपने फ्लैटमेट्स से, तो हम अभी इसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। और जो स्पीड्स मुझे मिल रही हैं वो अप टू 100 Mbps डाउनलोड है, साथ में अपलोड भी लगभग 100 Mbps का ही है। 10 मिली सेकेंड, जो सबसे ज़बरदस्त बात है इसके बारे में वो है पिंग रिस्पॉन्स, मुझे 10 मिली सेकेंड्स के आसपास का पिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जनरली ये 5 से 6 मिली सेकेंड्स के आसपास रहता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ओकुला का स्पीड टेस्ट में। तो ये गेमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि गेमर्स को पिंग रिस्पॉन्स बहुत ही कम चाहिए होता है। जितना ज़्यादा पिंग रिस्पॉन्स कम होगा, उतना ही आप मल्टीप्लेयर गेम्स जैसे पबजी वगैरह अगर आप खेलते हैं तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको जितना कम पिंग रिस्पॉन्स होगा। तो पिंग एक जो पिंग रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम है यहाँ पे, लेटेंसी बहुत कम है नेटवर्क की, स्पीड बहुत अच्छी है 100 MB के आसपास। बस स्पीड के बारे में मुझे एक जो डाउट था कि जब जियो की सर्विसेज लॉन्च हुई थी, जियो के मोबाइल पे सर्विसेज लॉन्च हुई थी, उस वक्त उनकी स्पीड्स बहुत ही अच्छी होती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर्स उनके एक्सपोनेंशियली ग्रो करते गए, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से जियो के कस्टमर्स बढ़े थे, जैसे जैसे उनके कस्टमर्स ग्रो करते गए उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिटेरियोरेट होती गई, क्वालिटी ऑफ सर्विस उनकी गिरती चली गई। और लाइक 4G में जो प्रोमिसज़ किए गए थे हमें 21 Mbps तक का डाउनलिंक, उस तरह की स्पीड्स अब आपको कहीं पे भी जियो में देखने को नहीं मिलेंगी। मुझे एक डर इसी बात का है कि जब गीगा फाइबर इतनी सारी शहरों में एक साथ लॉन्च होगा और उसमें बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ आ जाएंगे, तो कहीं ये जो स्पीड्स हमें दिख रही हैं अभी वो कम ना हो जाएँ। पर एक और जो साई ऑफ रिलीफ है, मतलब जो एक रिलीफ है, वो ये है कि वायरलेस सर्विसेज में क्या होता है कि जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे एक टावर से कनेक्टेड, उतना ही ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा सिग्नल में, सिग्नल उतना ही ज़्यादा क्वालिटी गिरती जाएगी सिग्नल की, इस वजह से भी थ्रूपुट कम हो जाता है। और क्योंकि ये एक वायर्ड लिंक है, ये ज़्यादा रिलायबल होगा, और वायर्ड लिंक क्योंकि डेडिकेटेड आपके घर तक आए उसके बाद आप उसे वाईफाई होस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि फ्यूचर में गीगा फाइबर इतनी ही स्पीड्स कंटेन करे जितनी मुझे अभी मिल रही है, क्योंकि अभी जो स्पीड है भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। 100 Mbps तक का थ्रूपुट है यार, मतलब अपलिंक डाउनलिंक दोनों में 100 Mbps, और पिंग रिस्पॉन्स बहुत ही कम है। जो इनका सेटअप है वो काफ़ी मिनिमल है, कोई एक्सटर्नल एंटीना नहीं दिखेगा आपको, और सेटअप टूर भी करवाई देते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये है जियो का सिंपल सा सेटअप, यहाँ पे एक मॉडेम है जिसमें राउटर इनबिल्ट है, वाईफाई राउटर, यहाँ पे ग्रीन वाला केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल है और व्हाइट वाला पावर केबल है, WPS स्विच है जिससे आप सीधे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, 3 लैन पोर्ट्स है जिससे आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो, और USB शायद प्रोग्रामिंग के लिए होगा। तो ये अपना छोटा सा सेटअप है जिसमें वाईफाई बिल्ट इन है। 5 सितंबर के आसपास जियो इसे पब्लिक में रोल आउट कर देगा, और क्योंकि हर चार में से दस सिटीज़ में जियो गीगा फाइबर अवेलेबल होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपके शहर में ये हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे पहले मैं UP में था और वहाँ पे मैंने 6 Mbps का अनलिमिटेड प्लान ले रखा था, पर यहाँ पे 100 Mbps का प्लान देख के यार एकदम फ्यूज हो गया दिमाग, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आपके शहर में जियो का गीगा फाइबर आने वाला है या नहीं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे जियो के पेज का एक लिंक डाल रखा है जहाँ पे आप ये टेस्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन बेसिकली जियो के गीगा फाइबर कनेक्शन के लिए। वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या आपके शहर में गीगा फाइबर आ रहा है या नहीं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।